कह रहे हैं तेजे इव तत्पूर्वम। तत्पूर्वम माने जलों से पूर्व, उन जलों से पहले दर्शित्वा, अपने आप को दिखा करके, अपना पराक्रम दिखा करके, अथ आपः सृजते, फिर वह जल का सृजन करता है, जल बरसाता है। तद एतत् ऊर्ध्वाभिश्च तिरश्चिभिश्च। तो ये तेज, कभी तो बिजली ऐसे होगा कि ऊपर से चमकेगी, लगेगा कि जमीन में टिक गई है ऐसे सीधा सीधा, कभी तिरछी चमकती है कि यहां से वहां तक पूरा। तो ऐसे कह रहे हैं तद एतद् ऊर्ध्वाभिश्च ऊपर की तरफ से, तिरश्चिभिश्च तिरछी तरफ से, विद्युत भी आह्रादाश्चरन्ति। तो इन बिजलियों के द्वारा ये बादल क्या करते हैं, आह्रादाश्चरन्ति, गर्जना करते हैं। बिजलियां चमकती हैं, फिर बादल गरजते हैं, ये सारा तेज का ही अपना प्रताप है, वो दिखा रहा है तेज। तस्मात आहु, और तब कहा जाता है विद्योतते, बिजलियां चमक रही हैं, स्तनयति गरज रहा है, बादल गरज रहा है, बिजलियां चमक रही हैं, वर्षिष्यति वा बरसेगा। तो तेजे एव तत्पूर्वम दर्शयित्वा, तो ये तेज ही है जो पहले अपने आप को दिखा करके, अथ आपः सृजते, और उसके बाद फिर जल का सृजन होता है। इसलिए नारद तेजः उपास्व इति, तेज की उपासना कर। स यह तेजो ब्रह्म इति उपास्ते तेजस्वी वै तेजस्वतो लोकान भास्वतो अपहत तमस्कानि तमस्कान अभिसिद्ध्यति, यावत् तेजसो गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। यस तेजो ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूय अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति। नारद जो इस तेज को ही ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है, तेज को भी जो ब्रह्म रूप ही मानता है, तो वो व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है। तेजस्वी वही सह, तो वो व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है। जिस चीज का हम चिंतन करते हैं ना, उन चीजों के गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। अज्ञान का चिंतन करेंगे तो अज्ञान से युक्त हो जाएंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे तो ज्ञान से, मतलब ये देखो उस समय से ये उपनिषद की बात चल रही है, और उपनिषद से पहले आप वेद में भी यही पाएंगे। तो सृष्टि के आदि से ये काम कर रहा है, ये नियम काम कर रहा है कि हम जो कुछ हम सोचते हैं ना, मतलब कहने के लिए तो तीन वर्ण है विचार में, क्या है, तीन शब्द है उसमें, तीन वर्णों का एक शब्द है विचार। लेकिन इसकी महिमा इतनी बड़ी है, जैसा विचार वैसा संसार, पूरा जीवन और पूरी सृष्टि, एक विचार से व्यक्ति मनुष्य से देवता बन जाता है, और एक ही विचार से बहुत ऊंचाई पे गया हुआ व्यक्ति नरक के गर्भ में चला जाता है। ये विचार ही है, विचार के बाद फिर सारी प्रक्रियाएं, वो जैसा विचार है ना उस प्रकार की शक्तियों को वो आमंत्रण देता है, और उन शक्तियों की ऑटोमेटिक नेटवर्किंग हो जाती है, अपने आप आने लगती हैं। फिर वो आप सोचने लग जाओ कि मेरे साथ कुछ भी जीवन में ठीक नहीं हो रहा है, जिसको भी देखें वो सब मेरे साथ मिसबिहेव करने लगे हैं। आप ऐसा थोड़े दो चार दिन सोचो और आप देखोगे कि आपके साथ हर घटना ऐसी होगी, क्योंकि ऐसा सोच के आपने स्वयं ही उन अशुभ शक्तियों के साथ अपनी नेटवर्किंग कर ली, आप अनजाने में उनको आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसलिए ये हर एक कोई एक ज्ञान देते हैं एक वस्तु के बारे में, और उसके बाद क्या कहते हैं कि तू इसको ब्रह्म की तरह से इसकी उपासना कर, मतलब हर जगह तू उसी को देख। तो जो ऐसे लोग होते हैं हर जगह उसी को देख, मतलब अब जीवन में तो शुभ भी होगा अशुभ भी होगा, तो मनुष्य है ना हम, तो कुछ गलतियां भी करेंगे तो कुछ अच्छाइयां भी करेंगे, इसीलिए तो मनुष्य हैं। अगर सारा अच्छा अच्छा करते तो देवता,
योनि होती फिर तो जीवन में कभी कभी ऊंचा नीचा तो होगा, उसमें कुछ शुभ होगा कुछ अशुभ होगा, कुछ पुण्य होगा कुछ मिश्रित होगा, कुछ पाप होगा, लेकिन जो कुछ भी हमारे जीवन में आ रहा है उसमें मेरी कोई ना कोई भलाई है, ये भी मेरे लिए भगवान का प्रसाद है, और इससे मैं बाहर कैसे निकलूं, ऐसे जो व्यक्ति सोचते हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाते हैं। और जो प्रतिकूल को पकड़ करके उसके साथ दिंगा मस्ती करने लगते हैं उसको हटाने के लिए कि ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा, तो प्रकृति के रीत नियम कहते हैं कि ये तो होगा तेरे साथ क्योंकि ये तो तुझे मिलना ही है, तो आप उसको टाल नहीं सकते हैं। भगवान के नियमों को कोई टाल नहीं सकता है, इसलिए उससे निकलना कैसे है, उन शक्तियों के साथ नेटवर्किंग शुरू होनी चाहिए फिर, जो आया है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, क्या सिखाने आया उसको सीखूं और उससे आगे बढ़ूं। तो आपके मार्ग में आने वाले जो पत्थर हैं वो फिर आपके लिए स्टेप्स बन जाते हैं, सीढ़ी बन जाते हैं, फिर पत्थर आया है आप पत्थर जागरूक नहीं है तो आप ठोकर खा के गिर भी सकते हैं उसी पत्थर से, और जागरूक हैं तो उसके ऊपर पैर रख के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, तो दोनों ही संभावनाएं हैं। इसलिए ये हर बार हमें सिखा रहे हैं कि आप उसको भी ब्रह्म समझो। तो जो जिसकी उपासना करता है वो उन उन शक्तियों से वो जुड़ जाता है, वो शक्तियां उसमें आने लगती हैं। तो इसलिए कहा जो इस तेज को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है वो तेजस्वी हो जाता है, सब प्रकार का तेज बढ़ता है उसका। स तेजस्वतो लोकान भास्वतो अपहत तमस्कान, भास्वत है लोकान जो उज्जवल लोक हैं, आभा से प्रकाश से युक्त लोक हैं उनको प्राप्त कर लेता है, और अपहत तमस्कान अंधकार से रहित लोकों को अपहत कर दिया है, तम को जिन्होंने, ऐसे लोकों को अपहत तमस्कान अभिसिद्धति, ऐसे लोगों को वो प्राप्त कर लेता है। तो ये लोक कहीं बाहर नहीं, ये लोक हमारे अंदर ही हैं, और ये तेज ब्रह्म का तेज या आत्मा का तेज यही अभिव्यक्त हो रहा है हमारे एक एक रोम रोम से, हमारी दृष्टि से, वाणी से, हाथ से, पैर से, कान से, घ्राण से, सब जगह से वही तेज अभिव्यक्त हो रहा है। और जब हम उसकी अवहेलना करते हैं तो फिर अंधकार से युक्त हो जाते हैं हम, और जो इनको तेजस्वी बना लेता है तो फिर वो अपने अंदर के जो अंधकार से युक्त लोक हैं हमारे, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, तो अज्ञान से युक्त जो हमारे मन की स्थिति है उन लोकों को ये पार कर जाता है, अज्ञान इसको घेरता नहीं है। अभी तक ये क्या था, ये व्यक्ति मन के वश में था, मन इसको कभी रुला देता था, कभी हंसा देता था, कभी खुश कर देता था, कभी दुखी कर देता था, आज तक ये व्यक्ति मन के वश में था, आज मन इस व्यक्ति के वश में है, जो ये कहता है वो इसका मन करता है, तो आज मन इसका गुलाम हो गया, ये मालिक बन गया, तो ये ही तेजस्वी होना है। तो ये हमें रोज के अपने जो छोटे छोटे कर्म हैं दिनचर्या के, जो हमारे रोज के जीवन के जीने के, उसमें हम इनको इनकी चेकिंग कर सकते हैं कि कब कब अंधकार हमें अंधकार से युक्त करता है और कब कब हम अंधकार को हटा करके उस पे हम हावी होते हैं, मन हमारे वश में है या हम मन के वश में है, कब कब ये मन हमें हंसाता रुलाता है, और कब कब हम मन को ये कहते हैं कि ठीक है चीजें जहां जैसे हो रही हैं, परिवर्तन संसार का नियम है लेकिन मैं अपरिवर्तनशील हूं। महात्मा बुद्ध को एक स्थिति ऐसी थी जब वो किसी रोगी को देख के परेशान हो रहे हैं, किसी वृद्ध को देख करके परेशान हो रहे हैं, किसी डेड बॉडी को देख के परेशान हो रहे हैं, तो वो मन उनको चला रहा है, मन दिखा रहा है,
और फिर एक स्थिति ऐसी आ गई कि महात्मा बुद्ध को कोई फूल दे रहे हैं तो वो खुश नहीं होते हैं, और उनको कोई गाली दे रहे हैं तो वो परेशान नहीं होते हैं। मन बताता है उनको कि देखो ये आपको गाली दे रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है मुझे पता है आप शांत रहो। मन उनको बताता है ये आपको फूल दे रहे हैं, थोड़ा तो आशीर्वाद दो, थोड़े तो खुश हो। वो कहते हैं अब आप मुझे चला नहीं सकते हैं, अब मैं आपको चलाऊंगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे आपको चलना पड़ेगा। एक ये भी स्थिति आती है आत्मा की। तो ये जो तेज की उपासना करते हैं, तेज का मतलब आत्मा का तेज, मन का तेज, मन भी तो एक तेज है ना, ज्योति श्याम ज्योति रेकम, ज्योतियों में एक ज्योति, बड़ी प्रज्वलित ज्योति है हमारा मन। लेकिन उस मन की हम उपासना नहीं करते हैं, जब उसका ठीक ठीक प्रयोग नहीं करते हैं हम, तो फिर हम तेजस्वी नहीं हो पाते हैं। और जो अपनी उस ज्योति को यूज करना सीख जाते हैं, ये टेक्निक जिसको आ गई, मन को कैसे चलाना है, तो ये जिसको आ गया तो उसके लिए कहा स यह तेजो ब्रह्म इति उपास्ते, जो इस तेज को ब्रह्म की तरह से उपासना करता है तेजस्वी से, वो तेजस्वी हो जाता है। और तेजस्वतः भास्वतः लोकान अभिसिद्ध्यति, और तेजस्वी और भास्कर लोकों को वो सिद्ध कर लेता है। अपहत तमस्कान लोकान, अंधकार से रहित लोकों को, जिनमें कोई अंधकार नहीं है, ऐसे लोगों को सिद्ध कर लेता है। तो ऐसे भी तो ज्ञानी पुरुष हैं ना इस संसार में, कि जिनके जीवन में वो अंधकार को आने ही नहीं देते हैं, उनको जीत लेते हैं वो। तो ये ही है अपहत तमस्कान अभिसिद्धति, यही सिद्धियां हैं। यावत तेजसो गतम, इसलिए जहां तक तेज की गति है, जहां तक उसका सामर्थ्य है, तत्र से यथा कामचर, निर्बाध गति से ज्ञान है, तो ज्ञान का जहां तक क्षेत्र है वहां तक ये निर्बाध गति से आता जाता रहता है, कोई रोक टोक नहीं है वहां पर। यस तेजो ब्रह्म उपास्ते अस्ति, तो क्या भगवान तेज से भी बढ़कर के कोई वस्तु है? वाव भूयो अस्ति इति निश्चित रूप से है, तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, फिर आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए। तो कहा आकाशे वाव तेजसो भूयान, आकाशे वही सूर्या चंद्रमसौ उभौ विद्युत नक्षत्राणि अग्निः आकाशेन आह्वयति, आकाशेन शृणोति, आकाशेन प्रतिशृणोति, आकाशे रमते, आकाशे न रमते, आकाशे जायत, आकाशम अभिजायत, आकाशम उपास्वयति। नारद तेज से भी बढ़कर के है आकाश, क्योंकि तेज भी कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। तो आकाशो वावे तेजसो भूयान, आकाश निश्चित रूप से तेज से भी बढ़कर के है, उससे भी श्रेष्ठ है। आकाशे वही सूर्या चंद्रमसौ उभौ, सूर्य और चंद्र जो विश्व को प्रज्वलित करने वाली महान ज्योतियां हैं, तेज पुंज हैं, जो जो साक्षात ईश्वर के ही रूप हैं, वो दोनों भी कहाँ हैं? आकाश में ही हैं। विद्युत नक्षत्राणि, ये बिजली भी कहाँ है? आकाश में। नक्षत्र भी आकाश में। तो अग्नि भी कहाँ है? आकाश में। तो सभी ज्योतियां, सभी तेज कहाँ हैं? आकाश में हैं। आकाशेन आह्वयति, और आकाश के माध्यम से ही किसी का आह्वान किया जाता है। जैसे मान लो मुझे किसी को बुलाना है, तो यदि वाणी के बाहर, यहां से ही आकाश शुरू हो गए ना, ये आकाश यदि ना हो तो वाणी वहां तक जाएगी नहीं, तो आह्वान होगा ही नहीं किसी का भी। आकाश ना हो तो कोई भी व्यवहार नहीं होगा हमारा। और ये चीज कभी हमारे ध्यान में ही नहीं आती है कि देखो ये आकाश ईश्वर ने कैसा बना दिया जिससे हमारे सारे व्यवहार चल रहे हैं। अगर आकाश नहीं होता तो फिर हम आकाश के लिए भगवान का धन्यवाद दे सकते हैं? देते तो नहीं है।
क्योंकि ये तो कभी हमारे ख्याल में ही नहीं आया कि आकाश का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए कहा आकाशेन आह्वयति, आकाशेन श्रृणोति, और आकाश के कारण ही दूसरा व्यक्ति सुनता है। ये व्यक्ति आह्वान करता है, बुलाता है, और दूसरा व्यक्ति उसको सुन लेता है। सुन लेता है तब वो उसकी बात सुन के आगे जाता है। और यहां से मैं तो बोलती रहूं, आपको कुछ सुने ही नहीं, फिर ये विद्या कैसे फलीभूत हो? तो आकाश के माध्यम से ही सुना जाता है, आकाश के माध्यम से ही आह्वान किया जाता है। आकाशेन श्रृणोति, आकाश के माध्यम से ही सुनते हैं। आकाशेन प्रतिश्रृणोति माने प्रत्युत्तर, जैसे यहां से मैंने आह्वान किया तो आकाश के माध्यम से वो आप तक पहुंचा, फिर वहां से आपने कोई प्रत्युत्तर किया, मुझसे कुछ पूछा, तो वो भी प्रतिश्रृणोति, वो भी मुझे कैसे सुनता है? आकाश के माध्यम से ही सुनता है। तो ये प्रत्युत्तर भी उसी से सुनता है, आकाश के माध्यम से ही। आकाशे रमतः, आकाश में ही सब रमण होता है। रमण मतलब जहां भी जो भी खुशी मिलती है, खेल कूद क्रीड़ा, आप जो खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, रस्सा कस्सी करते हैं, जो भी करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, वो सब किस में हो रहा है? आकाश में। तो आकाश में ही सब खुशियां आकाश के माध्यम से ही मिलती हैं। आकाशे न रमतः, और आकाश में ही जब कोई कहता है कि मन नहीं लगता है, मन परेशान हो रहा है, तो ये भी आकाश में ही है, ये उदासी भी आकाश में ही है। आकाशे न रमता, आकाशे जायत, तो आकाश में ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। आकाशे एव जायते, उत्पन्न भी उसी में होता है, आकाश में स्पेस चाहिए ना। और आकाशम अभिजायत, और आकाश में ही अभिजायत, आकाश की ओर ही, जैसे मानो बीज बोया तो बीज फिर उत्पन्न हुआ, तो वो किस में उत्पन्न हुआ? आकाश में, और वो आकाश की तरफ ही जाता है, ऊपर की तरफ ही जाता है। इसको कहा अभिजायते, अभि मतलब ऊपर की ओर। अग्नि भी जलती है तो किधर जाती है? आकाश की ओर, क्योंकि उसका मूल स्रोत सूर्य है, तो उसकी तरफ जाती है। तो आकाशे अभिजायते, आकाश की तरफ ही ऊपर की ओर जाया जाता है, आकाश के कारण ही। इसलिए नारद आकाशम उपास्व, आकाश की उपासना कर। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रखी है ईश्वर ने तेरे को। अगर आकाश ना हो तो तेरा एक काम भी ना हो, कुछ भी ना चले कार्य व्यवहार आकाश के बिना। इसलिए तू आकाश की भी उपासना कर। हर चीज के प्रति ये भी एक नियम है, कृतज्ञता का नियम। तो कहीं नीति शास्त्रों में, कहीं अन्य अलग अलग भाषाओं में उसको नाम अलग अलग देते हैं। ग्रेटिट्यूड का सिद्धांत ये क्या है? कृतज्ञता ही है। तो अब उन्होंने भाषा को बदल दिया, और ये वेद की, ये उपनिषद की भाषा क्या कह रही है? तू उसको ब्रह्म समझ के उसकी उपासना कर। तो कल बताया था ना कृतज्ञता का नियम, जितना जितना व्यक्ति कृतज्ञ होता है, तो आपको पता लगेगा कि सुबह से शाम तक हजारों आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिनके लिए आप भगवान का धन्यवाद दे सकते हैं। और यदि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, ऐसे बावले की तरह घूम रहे हैं कि जी मेरे को तो घर जाना है, मेरे को तो छुट्टी चाहिए, मेरा तो मन नहीं लग रहा। अरे इतनी सारी चीजें तो मिली हुई हैं आपको। तो हमें ये अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए कि आज मुझे भगवान को किस किस चीज के लिए धन्यवाद देना है, क्या क्या हो सकता है। बहुत कुछ मिलेगा आपको धन्यवाद देने के लिए। एक एक पल में आप धन्यवाद दे सकते हैं, और जो एक एक पल में धन्यवाद देने वाली जो प्रवृत्ति है, उसी को ही फिर गीता में शरणागति कह दिया। तो अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग संतों ने, अलग अलग सत्य के अन्वेषकों ने उसको नाम अलग अलग दे दिए।
पर वो सृष्टि के नियम जब से सृष्टि बनी तब से वैसे के वैसे चल रहे हैं, और बहुत लोग उसको प्रयोग कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी हम देखते नहीं संसार में कुछ लोग कितने महान आत्माएं हैं, कुछ लोग बीच के हैं, कुछ लोग उससे भी नीचे हैं। तो क्यों हो रहा है ये ऐसा? नियम तो सारी सृष्टि के सबके लिए एक ही जैसे हैं। हम उन नियमों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, हम उन शक्तियों के जानकार नहीं हैं, हमें जानकारी नहीं है उनकी, तो इसलिए हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जिनको जानकारी है वो उनका सदुपयोग करते हैं और वो दूसरों से भी करवाते हैं। एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों से अपने मिशन को पूरा करवाता है और हजारों व्यक्ति करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उस नियम को जानता है, आकर्षण के नियम को, कि मुझे ये काम करना है, इसके लिए मुझे इस चीज की सहायता है। वो उन सब का यूज करता है, प्रकृति की चीजें हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। तो इन्होंने बताया कि ये सब कुछ क्या है, आकाश में ही उपस्थित है, इसलिए आकाशम उपास्व, तू आकाश की उपासना कर। स यह आकाशम ब्रह्म इति उपास्ते, आकाशवतो वै सः लोकान प्रकाशवतो असंबाधान उरुगायवतो अभिसिद्ध्यति। जो आकाश को ब्रह्म समझ करके इस आकाश की उपासना करता है, महात्मा बुद्ध ने तो इसी को सिद्ध किया, उन्होंने कोई ईश्वर की सिद्धि नहीं की। उन्होंने क्या कहा, सब कुछ क्या है, शून्य। जो शून्य वो ही सत्य है। तो शून्य मतलब क्या, आकाश। तो आकाश की, जो आकाश को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है, वो आकाशवतो वही सह, तो वो भी आकाश के समान विराट हो जाता है। आकाश क्या है, विराट, अनंत, जिसका कहीं अंत नहीं है, उसको आकाश कहते हैं। आकाशवतो वही सह, और ऐसे ही विराट लोकों को वो अभिसिद्धति, सिद्ध कर लेता है। प्रकाश, प्रकाशवतो लोकान, प्रकाश वाले लोकों को, उसके जीवन में सदा ज्ञान बना रहता है, कभी अज्ञान आता ही नहीं है। इसलिए प्रकाश वाले लोक भी हैं हमारे अंदर, अंधकार वाले लोक भी हैं। अंधकार वाले फ्री में मिल जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करना, प्रकाश वालों के लिए साधना करनी पड़ती है, उनको सिद्ध करना पड़ता है। तो प्रकाशवतो असंबाधान, असंबाधान माने बाधा से रहित। उरुगायवतः, उरु कहते हैं विस्तार, उरु ज्योति पुस्तक है ना एक, तो उरु माने विस्तार। उरुगायवतः, बहुत विस्तार वाले लोकों को माने विराट लोकों को अभिसिद्ध्यति, ये सिद्ध कर लेता है। लेकिन यावद आकाशस्य गतम, जितने आकाश की गति है, तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, माने पूरे आकाश में इसकी निर्बाध गति हो जाती है इस साधक की। यह आकाशम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति, जो आकाश को ही ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करता है। भगवा आकाशात भूय इति वावे आकाशात भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो फिर आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए, यदि कुछ आकाश से भी विराट है, कुछ बड़ा है, तो आप फिर उसी का उपदेश मुझे दीजिए। तो कहा स्मरो वावे आकाशात भूयः, ये जो स्मृति है, अब कितनी सारी हम उपलब्धियां करके बैठे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या क्या खजाने हैं। तो ये स्मृति है, ऐसे ही मिल गई फ्री में, तो उसकी वैल्यू का पता ही नहीं है हमें। स्मृति वावे आकाशात भूयः, स्मर, स्मर माने स्मृति, यादास्त, ये आकाश से भी बड़ी है। तस्माद् यद्यपि बहव आसीरन न स्मरन्तो नैव ते कञ्चन शृणुयु न मन्वीरन न विजानीरन,
यदा वावते स्मरेयु अथ श्रेणुयु अथ मन्वीरन अथ विजानीरन स्मरेण वै पुत्रान विजानाति स्मरेण पशून स्मरम उपास्व इति। स्मरो वाव आकाशात भूयः तस्मात् यद्यपि बहव आसीरन, यद्यपि बहुत सारे लोग बैठे हैं और स्मृति नहीं है किसी को, एक स्मृति चली गई तो कितने भी लोग बैठे रहो फिर मेरे सामने, तो वो सब बेकार हो जाएगा ना। तो स्मृति कितनी, आकाश है, आकाश में सब बैठे हैं, पूरा ग्रुप बैठा है, पूरी क्लास बैठी है, लेकिन स्मृति चली गई फिर है जैसे नहीं है फिर तो। तस्माद् यद्यपि बहव आसीरन न स्मरन्तो नैवते कंचन श्रेणु, तो किसी को भी स्मरण ही नहीं है उसको कि ये कौन बैठे हैं, तो फिर वो किसी को भी सुनता भी नहीं है, किसी की बात समझता भी नहीं है। जिसकी स्मृति चली जाती है, चली जाती है ना कुछ लोगों की, वाजपेयी जी कितने बड़े विद्वान थे, अंतिम समय में स्मृति चली गई, बताओ इतने बड़े विद्वान व्यक्ति की, तो ये कितनी बड़ी चीज है। वो चली गई तब पता चलता है, किसी को पहचानते नहीं है, कुछ नहीं पता है उनको। तो ये स्मृति आकाश से भी बड़ी है, कितने भी लोग बैठे हों, अस्मरंत स्मरण न करते हुए, जब इसके पास स्मृति नहीं है, ये स्मरण नहीं कर पा रहा है, तो नैवते कंचन श्रेणुयु, उनमें से किसी को भी नहीं सुन पाएगा, न मनवीरन किसी को भी ये मनन नहीं कर पाएगा, सुनेगा ही भी नहीं तो मनन कैसे करेगा। न मनवीरन यदा वावते स्मरेयु, और जब उसकी स्मृति आ जाएगी, जब उन वे लोग सब स्मृति में आ जाएंगे, अथ श्रेणुयु, तो फिर उनकी बात को सुन पाएगा, अथ मनवीरन और सुनेगा तो उस पर मनन भी करेगा कि ये क्या कह रही है, इनके कहने का क्या अभिप्राय है, अथ विजानीरन और मनन करेगा तो फिर उसको जानेगा कि ये कह रहे थे, इसके बारे में बता रहे थे। स्मरेण वही पुत्रान विजानाति, और जो अपने पुत्रादि संबंधी हैं, घर परिवार के लोग हैं, मित्र जन हैं, स्वजन परिजन हैं, उन सब को भी कैसे जानता है, स्मृति से ही। अगर स्मरण ना रहे कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माँ, तो फिर कैसा व्यवहार चलेगा संसार में, सब उल्टा पलटा हो जाएगा। स्मरेण पुत्रान विजानाति, स्मृति से ही अपने पुत्रादि संबंधों को जानता है। स्मरेण पशुन, और अपने जो पशु आदि जो संपत्ति है उसको भी स्मृति के कारण ही पहचानता है, इसलिए ये स्मृति बहुत कीमती चीज है। इसलिए स्मरम उपास्व, इस स्मृति की उपासना कर। तो स यह स्मरम ब्रह्म इति उपास्ते यावत् स्मरस्य गतं तत्रस्य यथा कामचारो भवति। यह स्मरम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवत् स्मराद् भूय इति, तो क्या इस स्मृति से भी बढ़कर के कुछ है, स्मराद् वाव भूयो अस्ति इति, हाँ स्मृति से भी बढ़के है। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, तो फिर आप ही बताइए कि स्मृति के आगे क्या है, तो स्मृति से भी बड़ा क्या है ये हम कल पढ़ेंगे, आज ही पाठ को विराम देते हैं। शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः।